टाटा एलेक्सी के 20 शेयर है सर, 6759 की रेट पे। 6759 की रेट पे है सर। इसका सर 2 महीने का व्यू है मेरा, 2 महीने के अंदर अगर सर भाव आ जाता है तो मैं निकालना चाहता हूँ। ओके, 6759 पे। और कोप्रान सरवन जी बताइए, इसमें तो इनको फायदा हो रहा है टाटा एलेक्सी में। हाँ, मोटा मोटी इनका जितने मैंने प्राइसेस सुने इनको, आई थिंक दोनों ट्रेड्स में ठीक ठाक अच्छा मुनाफा आ रहा है। तो ऐसे केस में आई थिंक एज आई सेड, हम जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई देखिए मुनाफे में है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का तो जरूर इस्तेमाल करिए, और फिर देखिए कि हाँ भाई टारगेट कहाँ तक आ सकते हैं। तो टाटा एलेक्सी बढ़िया स्टॉक है और सेक्टर के अगेंस्ट में चला हुआ है, जहां पे सेक्टर में बड़ी पिटाई हुई, इसकी भी हुई, बट इसने बहुत फास्ट काफी अच्छी रिकवरी कर ली है और ऑलमोस्ट अपने पेयर से ज्यादा पुल बैक किया है इसने। तो मेरा थॉट यहाँ पे है कि बेस्ट विद इन दिस राइज शायद कहीं ओवर हो रहा होगा, तो उसका मेरा कहने का तात्पर्य है कि स्टॉप लॉस इनका ट्रेलिंग का बहुत टाइट होना चाहिए। अब इनके पास मार्जिन ऑफ एरर नहीं है, पैसा इनको घर थोड़ा लेके जाना है, तो उस केस में मुझे लगता है जो 4-5 दिन पहले जो गैप अप हुआ उसके नीचे जो आई थिंक जो लोज आते हैं वो तकरीबन आई थिंक 7500 के आसपास आते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 7480 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लें तो इनके तब भी इनके तकरीबन 12-15% के करीब, मेरे ख्याल से मोटा मोटी इनके 12-13% के करीब बनने चाहिए। तो 13% ऊपर एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं 7480 पे क्लोजिंग बेसिस पे, और टाटा एलेक्सी के ट्रेंड बने रहे, मुझे लगता है कि 8000-8100 के टारगेट ऊपर में आ सकते हैं, बने रहना चाहिए इसमें, और कोपरान में भी बने रहना चाहिए ना जी। कोपरान भी मोटा मोटी थॉट वही है कि शायद इनके प्राइस आई थिंक 162 का भाव इनका मैंने मोटा मोटी सुना, तो आई थिंक बढ़िया मोमेंटम में चला है और अच्छा पैटर्न बना के चल रहा है। तो यहां तो मैं इनको बोलूंगा कि इसको अगर रख सके तो 9-12 महीने प्लस टाइप की अगर डिलीवरी रख सके तो आई थिंक यहाँ पे बने रहे। मुझे लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पे बन गया है तकरीबन 97-98 के आसपास, तो मोटा मोटी 100 रुपए से बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, बहुत दूर का प्राइस दिख रहा है, बट फिलहाल जो ये चला है एक बहुत बढ़िया बेस 100 के आसपास बना के चला है, तो मुझे लगता है कि पिछले हाई को एक बार चैलेंज करेगा, और पिछला हाई इसका काफी दूर है, 300-325 के आसपास है, तो 12 महीना प्लस लगेगा बट 280-300 तक भी पहुंच सकता है 12-18 महीने में। ओके, अगला सवाल है कौशिक कुमार का, चंदन नगर पश्चिम बंगाल से। कौशिक जी नमस्कार, बताइए सर। नमस्कार सर। नमस्कार सरविंद जी। सर मेरा सवाल है मझगांव डॉक पर, हाल ही में लास्ट वीक में 10 मझगांव डॉक ले चुके हूँ मैं, तो 1028.99 में, तो ऐसे तो सब कुछ ठीक है सर, मेरे को ये जानना है कि मेरा एंट्री क्या गलत हुआ है, क्योंकि मेरे को लगता है कि 1020 और 1027 के आके ये बार बार बाउंस कर रहा है, तो एक सवाल मन में आ गया कि क्या मैं कोई गलती कर चुका हूँ, क्या मेरा एंट्री गलत हो चुका है, तो इस बारे में अगर कोई राय मिल जाता तो बहुत बढ़िया होता। ओके सरवन जी, बहुत मुझे अच्छा लगा, ये बहुत समझदार और ट्रेडर है, बहुत पढ़ लिख के करते हैं, लेकिन इनका जो सवाल है वो इंटरेस्टिंग है, क्या एंट्री गलत हुई क्या? नहीं नहीं, हर ट्रेडर को ऐसे थोड़े सवाल और थोड़ा डर हमेशा बाजार में रहना चाहिए, उससे हादसे और एक्सीडेंट नहीं होते हैं। जितना आप थोड़ा हल्का फुल्का डर रखेंगे और संभल के रहेंगे तो एक्सीडेंट नहीं होंगे। सवाल इनका बहुत अच्छा है। देखिए मझगांव डॉक्स इन्होंने अभी जाके लिया, जब पिछले 4-5 महीनों में अच्छा करेक्शन करके बैठा था और जब काफी अच्छा ऊपर से करेक्शन आ चुका था तब इन्होंने कहीं एंट्री नहीं की, और अब ये ब्रेकआउट पे एंट्री करना चाह रहे हैं। तो आप समझिए कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग हमेशा काम नहीं करती। स्टॉक ऑलरेडी 40% 600 से चल चुका है, ऑलमोस्ट तकरीबन 600 के आसपास गया था, और वहां से 40% ऊपर आने के बाद आप नया ब्रेकआउट किया तो आपने लिया, आपको कोशिश कहीं रेंज के नीचे एंड में करनी चाहिए थी। तो उस हिसाब से तो लॉन्ग मीडियम टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो आपकी एंट्री बहुत लेट है, बहुत बहुत लेट है। बट अब आप कर रहे हैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, मोमेंटम ट्रेडिंग, तो आई थिंक ठीक है, डिसेंट है, ट्रेड इज नॉट बैड, उस हिसाब से, उस लेजर से ट्रेड बैड नहीं है। मेरा थॉट ये है कि ट्रेड बने रहे और इमीडिएट बेसिस पे जो पीछे के लोज रहे हैं उन पे कहीं इनको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। आई थिंक 998 के नीचे क्या इनका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और मैं इनको फिर टारगेट भी दे रहा हूँ, तो नेक्स्ट 10 से 15 वर्किंग डेज के लिए मेरे हिसाब से 997 पे एक स्टॉप लॉस लगा के रखें, उसके नीचे जाए तो निकलना पड़ेगा इनको, और ऊपर में मुझे लगता है कि 1120-1150 के टारगेट्स इस मोमेंटम में आ सकते हैं, क्योंकि स्टॉक ने अपना पिछला हाई बहुत अच्छे से निकाला है। ओके कौशिक कुमार जी, स्टॉप लॉस और टारगेट बहुत ध्यान से रखिएगा आप, और चूंकि ऑलरेडी 40% रन अप है तो आपको ये दोनों बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे कि आपका फायदा बना रहे, अभी आप फायदे का ट्रेड लेके बैठे हैं। अगला सवाल है MS तिवारी का, पुणे महाराष्ट्र से। तिवारी जी नमस्कार, बताइए। नमस्कार नीरज जी।
जी सर, मेरे पास 3100 IDFC फर्स्ट बैंक है और ये 59.35 रुपए पे हमारा जो है वो टोटल एवरेज है, और मैं इसको लॉन्ग टर्म 3 से 5 साल 8 साल 10 साल कब तक भी होल्ड कर सकता हूँ फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड। बस मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं स्टॉप लॉस कहाँ लगाऊं जिसमें वो ट्रिगर हो जाए तो बस उससे निकल जाऊं। पहले तो ये बताइए कि इस स्टॉक से इतना प्यार क्यों है? सर बहुत सारे लोगों ने इतना बोला है कि, और एक तो मैंने भी इनके मैनेजमेंट के विषय में पढ़ा है काफी कुछ, और बहुत स्ट्रांग कंपनी है और रिजल्ट भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, पिछले 2 क्वार्टर से एटलीस्ट अभी प्रॉफिट मेकिंग हो गई है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए कि बैंक है, जब पैसा ब्याज पे उठाएगी तो नुकसान तो होने के चांस कम है अगर सही ढंग से उसको उठाया जाए। तो अभी इन्होंने अपना डाइवर्जन भी थोड़ा रिटेल की तरफ ज्यादा किया है, तो वहां पे पैसा डूबता भी है तो इतना नहीं डूबता है कि बैंक डूब जाए। तो इस वजह से ये सारी चीजें हैं और स्ट्रांग मैनेजमेंट है, नीट एंड क्लीन बैलेंस शीट है। जी तो चलिए, आपने पढ़ लिख के इसको लिया है तो इसलिए आपका भरोसा इस पे बना हुआ है। चलिए अब सवाल लेते हैं। 72.15 रुपए चल रहा है, इनको फायदा हो रहा है 12.80 रुपए का। सरवेन जी, क्या इस स्टॉक में लंबे समय तक इनकी जो इच्छा है रुकने की वो रुक सकते हैं पहला, और अगर रुकते हैं तो वो क्या रेड सिग्नल होगा जहां पे जिसको हम स्टॉप लॉस कह सकते हैं, जहां से निकल के तुरंत भाग जाए? अरे अच्छे सवाल है इनके। पहली बात तो अगर ये कॉर्पोरेट एक्शन इसमें नहीं है और जो मेरे को इसकी शेयर होल्डिंग दिख रही है तो प्रमोटर्स ने तकरीबन 3.5% आई थिंक 340 basis points अपना स्टेक यहाँ बढ़ाया है लास्ट क्वार्टर में। तो प्रमोटर्स अगर ये कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट नहीं है, कहीं और क्लासिफिकेशन का चेंज नहीं है, वो यहाँ पे डिस्क्लेमर है, तो फिर ये एक अच्छा संकेत है कि गए क्वार्टर में प्रमोटर्स ने ही इसमें 3.5% अपना मोटा मोटी स्टेक बढ़ाया है। तो अगर प्रमोटर्स को ही अपने स्टॉक में भरोसा जब रहता है तो फिर इनको भी रहना चाहिए। और मेरे ख्याल से एक इनकी बात से मैं सहमत नहीं हूँ, कोई भी स्टॉक लेते वक्त आप ये मत बोल दीजिए कि इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। हर ट्रेडिंग, हर स्टॉक या हर चीज जो ली जाती है कभी ना कभी बेचने के लिए ली जाती है, तो इट कैन नॉट बी इनडेफिनेट। तो आप इनडेफिनेट पीरियड नहीं बोलिए, बट टाइम फ्रेम आपका जो भी हो सकता है 5 साल 10 साल 20 साल वो आपका क्लियर होना चाहिए। तो आई थिंक लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप मुझे पूछें तो स्टॉक जब से आया है तब से कंसोलिडेट ही हो रहा है, और अब अपनी आई थिंक जितनी इसने रेंज बनाई है 2015 के बाद से उसके अपर एंड की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है, 84-85 के आसपास आई थिंक वो लेवल्स हैं। तो आई थिंक 84-85 का जब ब्रेकआउट उसमें हो जाएगा, जो कि लग रहा है इस मोमेंट इस पर्टिकुलर साइकिल में कि पॉसिबल है कि हो जाएगा, तब आई थिंक ये इवन लॉन्ग टर्म फ्लेवर के लिए 12-18-24 महीने प्लस के लिए भी बहुत बढ़िया स्टॉक हो जाएगा। सो आई थिंक डे टू डे इसको मॉनिटर करते रहे, एनालाइज करते रहे, और फिलहाल के लिए जो इन्होंने स्टॉप लॉस पूछा है वो 63.40 पे क्लोजिंग ओनली स्टॉप लॉस लगाएं और ट्रेड में बने रहें। ओके, 63.40 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस बनता है और इसको आप, लेकिन थोड़ा वॉच लिस्ट पे आपको रखना पड़ेगा, रोज इसको देखते रहिए, क्योंकि बैंकिंग स्टॉक जो है ना उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ देखने के लिए, बात सही है तिवारी जी आपकी, और क्रेडिट ग्रोथ भी 14-15% की चल रही है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन कहाँ से किक इन हो जाएगा एनपीए का सिलसिला वी नो, कह नहीं सकते, डोंट नो। तो इसलिए आपको इस पर नज़र बनाए रखनी पड़ेगी, क्योंकि छोटा बैंक है और बैंकिंग सेक्टर में बड़ी वोलेटिलिटी रहती है, फिलहाल आप बने रहिए इसमें। अच्छा, एक ट्विटर एक सवाल लेता है, अविनाश कुमार का, टाटा पावर पे है, 80 शेयर ले रखे हैं 216.65 के, SIP के थ्रू इन्होंने लिया है, मतलब धीरे धीरे करके छोटी छोटी क्वान्टिटी में लेते हैं, और लेना चाहिए क्या इसमें? देखिए, जब इनिशियली हमने ओवरऑल ध्यान बनाया था तो हमने इसमें वीकनेस का ध्यान बनाया था, तो हमने कहा था कि 180 तक के टारगेट्स हैं, तो मोटा मोटी 175-180 तक जाके आया है, मोटा मोटी 180 के आसपास ही जाके आया है। तो आई थिंक जो मीडियम टर्म इसके करेक्शन टारगेट्स थे उसने पूरे कर लिए हैं, अब ग्रेजुअली ट्रेंड को इम्प्रूव होना चाहिए ऐसा हमारा मानना है। तो इनको भी वही बोलूंगा कि डे टू डे इस पर ध्यान रखें, एटलीस्ट 10 दिन में इसका भाव देखते रहें, अलर्ट रहे, और आई थिंक जो ट्रेड है फिलहाल उसी में बने रहे, अभी क्लियर कट ब्रेकआउट्स नहीं आए हैं। आई थिंक 230-235 के आसपास अगर आप देखेंगे तो पहले इसके पिछले हर्डल्स रहे हैं, उनको उसको निकालना बहुत जरूरी है। तो आई थिंक 235 के ऊपर मोमेंटम और पॉजिटिव होगा, तब तक नई पोजीशन ऐड नहीं करनी है, जो पुरानी है उसमें ही इनको मेरे हिसाब से SIP में बने रहना चाहिए। ओके, अभिषेक धोत्रे जी ने एक सवाल लिखा है, गावस जी ने उनको सुझाव दिया था कि रेपको होम फाइनेंस ले सकते हैं आप, तो इन्होंने जब लिया था तो उसका भाव 231.40 था, अभी शायद 288-300 के आसपास होगा, दिखाइए रेपको होम। तो अब इनके मन में सवाल ये है, 289 है,
कि फायदा तो हो गया है, अब क्या करें, तो क्या करना चाहिए, होल्ड और सेल? नहीं, ये पूरा डिपेंड करेगा इनके टाइम फ्रेम के ऊपर। अगर इनका टाइम फ्रेम ट्रेडिंग या मोमेंटम का था तो आई थिंक पैसे इनके अच्छे बन गए हैं और इनको मुनाफा लेना चाहिए, और जब इनका अगर टाइम फ्रेम उससे ज्यादा है तभी इनको इसको होल्ड करना चाहिए। तो आई थिंक अगर इन्होंने ट्रेडिंग का कॉल लिया है तो बहुत बढ़िया टाइम है थोड़ा मुनाफा मानने के लिए। ओके, अगर ट्रेडिंग के लिए लिया था आपने दोत्रे जी, तो फिर आपको प्रॉफिट थोड़ा बुक करना चाहिए। प्रीतपाल सिंह जी दिल्ली से जुड़ रहे हैं। प्रीतपाल जी नमस्कार। प्रीतपाल जी व्यस्त है बच्चों के साथ हमें लग रहा है। चलिए फिर मैं ट्विटर से सवाल ले लेता हूँ जरा। ओके, क्योंकि शुक्ला जी का एक सवाल है जहाँ पे इन्होंने कई सारे स्टॉक एक साथ लिख दिए हैं। यूको बैंक 70 शेयर 29.80 रुपए में। जी, आई थिंक देखिए पीएसयू बैंकिंग में पिछली पिछली बढ़िया रैली इसके बाद जो हमने 2021 के एंड में और जो हमने 22 के स्टार्ट में जो रैली देखी है, आई थिंक उसमें बढ़िया मूवमेंट रहा, और उसके बाद अब ये आप देखेंगे कि यहाँ पे करेक्शंस चल रहे हैं। सेकेंड हाफ में जो टॉप बना लिया इसने लास्ट क्वार्टर में, वहां से अब इसमें एक मल्टी मंथ मल्टी क्वार्टर करेक्शन चल रहा है। तो 6-7 महीने पूरे हो चुके हैं पीएसयू बैंकिंग के संदर्भ में। मैंने हमेशा बोला है कि उस मूव को पीएसयू बैंक्स पचा रहे हैं। इसका भी चार्ट ऑलमोस्ट सेम ही है कि भाई ये उस मूव को पचा रहा है जो ये चला था तकरीबन मेरे ख्याल से 8-9 रुपए से जो चला था। सो वहां से जो है 10 रुपए से जो चला है ये ऑलमोस्ट 30 रुपए तक गया था, तो आई थिंक उसको पचा रहा है और अब नेक्स्ट लेग मोटा मोटी ऊपर की तरफ चलना चाहिए, बट उसका इनको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। आई थिंक अभी एटलीस्ट 1-1.5 महीना और मोटा मोटी इसी रेंज में रहेगा, तकरीबन 33 रुपए से लेके नीचे में 24 रुपए तक। तो ये जो रेंज है 24 से 33 की, आई थिंक ये 1-1.5 महीना और स्टिक करेगी, उसके बाद या तो ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट तब कॉल लेंगे, बट फिलहाल बने रहे। प्रीतपाल जी आवाज आ रही है, सवाल पूछिए। हाँ जी बताइए। हाँ सर, मेरे पास वेस्कॉन इंजीनियर्स के 5,350 शेयर हैं, 47 के रेट पे 4-5 साल से होल्ड कर रहा हूँ। मेरा प्राइस आएगा या क्या करूँ मैं इसमें? सरवन जी बताइए। नहीं नहीं, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी लॉस है इनके लिए यहाँ पे। अगर 8 साल से होल्ड कर रहे हैं तो आई थिंक क्लियरली अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक था। स्टॉक पे उम्मीद इन्होंने क्यों बांधी मुझे नहीं मालूम। जो स्टॉक 2010 से नहीं चला है, आई डोंट नो उस पे उन्होंने उम्मीद उतनी क्यों बांधी मुझे नहीं समझ में आया, बट डेफिनेटली मैंने इसको कवरेज में बहुत दिन से देखा भी नहीं है, तो मेरा इसमें बहुत कोई स्ट्रांग व्यू नहीं है, तो मैं इसको पास करना चाहूंगा। बट बहुत अंडर परफॉर्मिंग कैटेगरी के स्टॉक में लॉन्ग है, तो जितना हो सके जहां हो सके आई थिंक निकले और किसी अच्छे स्टॉक में जाए। ओके सरविंद, एक बहुत क्विक जवाब दीजिएगा। फुलेंदर जी का सवाल है गुड़गांव से। पीएफसी के शेयर इन्होंने ले रखे हैं 112 के भाव पर जी, ये 5 साल तक होल्ड करना चाहते हैं। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जी, देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने हमेशा मेंटेन किया ये स्टॉक इतना, इसको हम बोलते ना ये हमारे लिए एक बहुत बढ़िया एग्जांपल रहता है ऑलवेज जब हम किसी को सिखाते हैं या पढ़ाते हैं कि भाई इस स्टॉक को आप देखिए, इसको अगर आपने ट्रेड किया होता तो ये इसने लास्ट तकरीबन 20-22 सालों में 15 सालों में एटलीस्ट एक रेंज पकड़ के रखी थी, और वो रेंज थी मोटा मोटी 180 से लेके 190 से लेके नीचे में तकरीबन 51 की, और बाद में थोड़ी रिफाइन होती रहती थी तो 150 से लेके तकरीबन 75 के बीच में चला करता था ये, और इसने 15 साल इसने मोटा मोटी किया है। अब 15 साल करने के बाद अब ये जो निकला है 16 साल के बाद, आई थिंक डेफिनेटली इसमें जूस है, इसमें मीट है, इतने बड़े पैटर्न का ब्रेकआउट है, आई थिंक स्टॉक चलेगा। फिलहाल तो बहुत बढ़िया चल गया है, 100 का 200 हो गया है, तो एक थ्रोबैक एक छोटा करेक्शन आ सकता है, बट ब्रॉडली अगर इन्वेस्टमेंट बेसिस ग्रेड पे लेके रखना चाहते हैं तो आई थिंक लेके रखना चाहिए। बहुत बढ़िया 15-16 साल का ब्रेकआउट है पैटर्न का, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि और यहाँ पे जूस बाकी है। 12-18 महीने का अगर होराइजन है तो मुझे लगता है 270-280 के टारगेट्स भी यहाँ पे आ सकते हैं, बट ये जरा केवियट इसमें ध्यान रखें कि 100 का 200 अभी हुआ है ताजा, तो बहुत ज्यादा एग्रेसिवली इन भाव से लॉन्ग नहीं करना है। जो ट्रेड है उसमें बने रहे, जो ट्रेड है उसमें बने रहिए, इस भाव पे लॉन्ग नहीं करना है, और ऑलरेडी 112 पे आपने ले रखा तो आपकी शानदार रैली इसमें बनी हुई है, तो इस पे अच्छा ट्रेड आपके लिए बन गया है। सरवन जी बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, दर्शकों की मदद करने के लिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।